बैक टू माय चैनल ओनली लिली। कैसे हो सभी लोग? आशा करती हूँ ठीक है यार। मैं भी एकदम ठीक हूँ और खुश भी हूँ। तो क्या है ना, ईद तो आई गई है, तो ईद के लिए तो चाहिए कुछ स्पेशल हेयर स्टाइल। तो आज मैं जो हेयर स्टाइल दिखाने वाली हूँ, वो अगर आप ईद के टाइम करोगे तो आपका जो लुक्स है टोटली चेंज हो जाएगा और आपको इतना खूबसूरत लगेगा कि बहुत ही। तो ज़्यादा बातें नहीं करके चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हे माय क्यूटीज, जो फर्स्ट वाला हेयर स्टाइल है उसके लिए क्या करना होगा, जो मतलब हेयर का पार्टीशन बनाऊंगी वो सीधा नहीं बना के थोड़ा सा एंगल करके बनाऊंगी, जैसे कि एक साइड से एक कॉर्नर से और एक कॉर्नर तक लेके जाऊंगी। जो इसे पार्टीशन बनाने के बाद क्या करूंगी, लेफ्ट साइड में जो पार्टीशन वाला हुआ था उसी को थोड़ा थोड़ा लेके स्क्रॉल करके करके क्लिप देके सिक्योर कर लेना है एक एक करके। इस तरह से करके जितना छोटे छोटे बनाओगे उतना ही अच्छा लगेगा, ज़्यादा थिकनेस करके बनाओगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और उस तरफ में इस लेफ्ट साइड में जितना सारा था उसी को बनाने के बाद मैं राइट साइड में बना लूँगी, मतलब जैसे लेफ्ट साइड में बनाई थी। बनाने के बाद फ्रंट में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बाल को निकाल दूंगी और क्या करूंगी ना, जो व्हाइट बीड्स आते हैं ना यू पिन वाला, वही लगा दूंगी। देखना कितना बड़ा सा हेयर स्टाइल बन जाता है, ईद के लिए तो एकदम परफेक्ट है। उसके बाद जो सेकंड वाला हेयर स्टाइल, उसके लिए क्या करना होगा, मिडिल में हेयर को पार्टीशन बना लो। पार्टीशन बनाने के बाद क्या करूंगी, लेफ्ट साइड से हेयर को लेके एकदम फोल्ड करते जाओ। फर्स्ट हाथ को उठाओ मत, ऐसे करके फोल्ड, थोड़ा थोड़ा बाल को लेके फोल्ड करते करते उसको एक क्लिप देके सिक्योर कर देना है। जैसे लेफ्ट साइड में बनाई वैसे राइट साइड में बना लूंगी और फ्रंट में थोड़ा सा को निकाल देना है। उसके बाद क्या करूंगी, पीछे घूमने के बाद जो है कम बाल था उसी को क्या करूंगी, एक रबर बैंड देके सिक्योर करके मिडिल में पार्टी उसी को डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करके उसको एक पार्ट को लेके उसको फोल्ड करो, फोल्ड करके क्लिप देके सिक्योर कर लो। दूसरे वाला भी सेम प्रोसेस करके उसी को भी क्लिप देके सिक्योर कर लेना है, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में। इसके भी क्या होता है ना, जो खोपा है थोड़ा सा थिकनेस लगता है। अगर आपका बाल कम है, बहुत ही कम है, तो आप इस तरह से यूज करके थिकनेस कर सकते हैं। और उसके बाद जो व्हाइट बीड्स वाला यूपिन आता है उसी को लगा लो। ये हेयर स्टाइल आप गर्मी के टाइम इजीली करके सकते हैं क्योंकि गर्मी बहुत पड़े हैं और समर के टाइम भी बहुत ही परफेक्ट है, देखना। और थर्ड वाला हेयर स्टाइल के लिए क्या करना होगा, जैसे हेयर को मिडिल में पार्टीशन करके रखी थी ऐसे ही पार्टीशन करके रखूंगी। उसके बाद क्या है ना, थोड़ा थोड़ा बाल को लेके फ्रंट की तरफ से पीछे की तरफ लेके जाना है और क्या करूंगी, स्क्रॉल करते करते एक क्लिप देके सिक्योर कर लेना है। इस तरह से जितना ये भी जितना आप थिकनेस बहुत ही कम कम करके, मतलब थोड़ा थोड़ा करके बाल लेके उसको क्लिप देके सिक्योर करोगे, ऐसे ही आपको अच्छा लगेगा। ऐसे करके मैं लेफ्ट साइड में मेरे को शायद 4 या 5 स्ट्रो बनाया हुआ है ऐसे, क्योंकि मेरा बाल को थिकनेस इतना नहीं है, बहुत पतली बाल है। ऐसे क्या करूँगी, एक एक पीड्स में मैं एक एक यूपिन लगा लूँगी। देखना कितना बड़े से हेयर स्टाइल बन जाते हैं, बहुत ही प्यारे से लगते हैं वाला हेयर स्टाइल में, और ईद के लिए तो एकदम परफेक्ट है। उसके बाद फोर्थ वाला हेयर स्टाइल, उसके लिए क्या करना होगा, पीछे जो बाल है उसी का ही थोड़ा सा बाल को फ्रंट में लेके आओ बोथ साइड से। उसके पीछे जो बाल है उसी को सिक्योर करके रखना, क्योंकि अगर नहीं तो पीछे जो बाल लेके मैं चोटी बना रही हूँ अभी, वही क्या होगा, बाल अगर छोड़ के रखोगे वही पीछे की बाल बार बार आ जाएगा फ्रंट की तरफ से। इसीलिए क्या करना होगा, उसी को चोटी बना लेने के बाद लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट साइड के ईयर की तरफ लेके आओ, लेने के बाद एक क्लिप देके सिक्योर करना और फ्रंट में इस तरह से बाल को छोड़ना मत बोलना, क्योंकि बहुत ही प्यारे से लुक देते हैं। उसके बाद है जैसे लेफ्ट साइड में बने थे ऐसे बिल्कुल राइट साइड में बना लूंगी। बनाने के बाद फिर से उसी को क्या करूंगी, चुट्टी बना के क्लिप देके सिक्योर कर लेना है। सिक्योर करने के बाद देखना एक हेयर पैन जैसा फॉर्म दे देते हैं और बाल को क्या करूंगी, इसके बाद छोड़ दूंगी। अगर आप छोड़ भी रख सकते हैं, उसके पोनीटेल भी बना सकते हैं, उसको खोपा भी कर सकते हैं, कुछ भी करके आप हेयर को लुक्स दे सकते हैं। उसके बाद जो फिफ्थ वाला हेयर स्टाइल, उसी को लेके क्या करना होगा, फ्रंट से जितना सारा बाल है उसी को थोड़ा सा लेके, सब बाल नहीं लेना है, थोड़ा सा बाल को लेके उसको पोनीटेल बना लो। बनाने के बाद इस तरह से घुमा घुमा के उसी को एक फॉर्म दे दो। फॉर्म देने के बाद उसको क्लिप देके सिक्योर कर लेना, जैसे मैं वीडियो में बनाई हूँ। उसके बाद थोड़ा सा ढीला ढीला करके बोथ साइड में क्या करूँगी, एक एक क्लिप देके अटैच कर देना है। देने से देखना कितना बड़ा सा एक लुक्स आ जाता है। ये वाला हेयर स्टाइल तो बहुत ही प्यारे से लगते हैं, मुझे बहुत पसंद आया वाला हेयर स्टाइल, अगर आप करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैं ऐसा करती हूँ, आपको कोई भी एक हेयर स्टाइल तो जरूर पसंद आया होगा सर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मेरे आने वाली वीडियो आपके पास जरूर मिल जाएगा। एंड बाय बाय।